नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रमाण क्या है कि अकेले आ रहे का तुम्हारी वाणी सिद्ध कर रही है। रघुकुल तिलक एक वचन, सुजन सुखदाता एक वचन, आये कुशल देव मंत्राता एक ही वचन है, निकलना चाहिए बहुवचन। अच्छा तीन का समाचार सुनाया जाएगा तो एक वचन की, दो वचन की, बहुवचन, बहुवचन होना चाहिए का, बहुवचन निकलना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि इसी नंदीग्राम में मैंने सुना था कि लक्ष्मण के प्राण संकट में फंसे हुए हैं, इसी नंदीग्राम में मैंने सुना था कि माँ सीता अशोक वाटिका में बंदी बनी बैठी हैं, तो ना तो मेरी माँ आ रही है साथ में, ना मेरा भैया लक्ष्मण आ रहा है, अकेले ही क्यों आ रहे हैं। हनुमान जी बोले अभी रुको रुको, अभी तो सुनाना शेष रह गया, पहले सुनो तो। भरत जी बोले आगे क्या सुनाना चाहते हो। हनुमान जी बोले बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ, पहले सुनो तो तुम मेरी बात। हनुमान जी ने तुरंत बदल दिया विषय और हनुमान जी ने कहा सुनिए तो, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत ओ सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरेउ सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। जैसे ही नेत्र खुले आगे भरत जी दौड़े, अयोध्या वासी बोले रुको रुको कहां जा रहे हो। कहा मिलने के लिए जा रहा हूं। कहा चित्रकूट में कहा था राम से मिलूंगा, राम है कहां, राम दिखाई नहीं दे रहे, किससे मिलने जा रहे हो। ये तो राम जी के आने का समाचार सुना रहा है लेकिन राम कहां है। भरत जी ने कहा कि तुम सबको राम दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन मुझे तो राम दिखाई दे रहे हैं। अरे राम कहीं भी दृष्टि डालो राम है ही नहीं। भरत जी बोले तुम्हारी आंखों पे मोतियाबिंद आ गया इसलिए तुम्हें राम दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मुझे राम दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या वासियों ने कहा कि हम लोगों को राम दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन तुम्हें राम कहां से दिखाई दे रहे हैं। भरत ने कहा जैसे ही मैंने नेत्र खोले उसी समय सामने जो सूचना दे रहा है उसके हृदय में मैंने श्री राम को बैठा हुआ देख लिया है इसलिए अपने राम से मिलने के लिए जा रहा हूं। अच्छा सही बताओ, नेत्र भरत के खुले तो हनुमान के हृदय में राम जी बैठे कि नहीं बैठे। और जैसे ही दृष्टि डाली तो हृदय में राम का दर्शन हो गया। भरत जी दौड़ पड़े, जैसे दौड़े का कपि तव दरस सकल दुख बीते ओ मिले आज मोहि राम प्रीते, आज मुझे राम मिल गए। अयोध्या वासियों ने कहा हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। भरत जी ने कहा तुम विमान वाले राम का इंतजार कर रहे हो लेकिन हमें तो हनुमान वाले राम मिल गए हैं जो हनुमान के हृदय में बैठे हुए हैं। याद रखना भरत जी ने जैसे हनुमान जी को हृदय से लगाया तो भगवान राम के हृदय से भरत का हृदय जुड़ गया। बोलो जुड़ गया कि नहीं। आज लग रहा था दुनिया को देखने में कि भरत और हनुमान का मिलन हो रहा है लेकिन ये मिलन हो रहा था राम और भरत का। जैसे ही दोनों मिल रहे थे इतने में विमान आ गया, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान जैसे ही आया, प्यारे अंतिम 10 मिनट हैं, बस केवल 10 मिनट मात्र, क्योंकि समय तो अपनी गति से चल रहा है और हम भी अपनी गति से ही चल रहे हैं। समय अपनी गति से चल रहा है। वो इधर पूर्णाहुति भी हो गई, आप लोग पूर्णाहुति में गए थे ना, पूर्णाहुति भी हो गई है लेकिन होमात्मक यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, अभी ज्ञानात्मक यज्ञ की नहीं। ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति अभी थोड़ी देर में होने वाली है ना, आ जाई है। अच्छा भंडारो आ जाई है, आ नहीं कल के इंतजार में रहो, आज ही भंडारा है, थोड़ी देर बाद बस प्रवचन के बाद भंडारा, ठीक है ना। यहीं तो होगा भंडारा, कहाँ होगा, इसी पंडाल में होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, भंडारे की भी बड़ी महिमा होती है साहब। अभी हम आ रहे थे आपके यहाँ अमलई तो महात्मा हमको मिल गए कुछ रास्ते में, हम थोड़ा सा जलपान करने के लिए एक बढ़िया एक बहुत अच्छा कुआं था, बड़ा ताज़ा जल निकल रहा था, तो हमने कहा रोको गाड़ी रोको, हमने कहा जल ले लें इसमें से, कुएं का जल बड़ा शुद्ध होता है, समझ गए हो कि नहीं। और उस कुएं का जिस कुएं से जल निकलता रहता हो, तो काफ़ी भीड़ थी तो मैंने कहा क्या, बोले इस कुएं की विशेषता है इसमें शीतल जल है वो बड़ा मीठा है, हमने कहा हम जल ले लें। वहीं महात्मा थे, चार ठो बैठे थे,
कहे महाराज दंडवत दंडवत, हमने कहा दंडवत। कहे महाराज कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा यज्ञ में जा रहा हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हो, बोले हम अमरकंटक जा रहे हैं। हमने कहा अमरकंटक जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा अमरकंटक के पास ही तो जा रहे हैं। कहाँ, हमने कहा बुढ़ार के आगे अमलई है। क्या है महाराज वहाँ, हमने कहा वहाँ यज्ञ है। कहे यज्ञ यज्ञ है कि भंडारा हो। अरे हमने कहा इनकी पूरी पूरी मानसिकता भंडारे पर है। तो सीधी सी बात, भंडारे का भी महत्व अपनी जगह है, इसलिए थोड़ी देर में भंडारा, बस 10 मिनट बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। तो आओ जरा ध्यान से सुनो, भरत और हनुमान मिल रहे थे, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि भरत और हनुमान मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में भरत को ये लग रहा था कि हम हनुमान से नहीं मिल रहे हैं, हम तो हनुमान के हृदय में बैठे हुए प्रभु राम से मिल रहे हैं। इसलिए राम और भरत का मिलन हो रहा था। इतने में विमान आ गया, पुष्पक विमान, थोड़ा ही अंतर पड़ा, ज्यादा नहीं। और पुष्पक विमान जैसे उतरने ही वाला था तो उतर नहीं पाया, बंदर पहले ही कूद पड़े। अब बंदर क्या जाने कि विमान जब उतरेगा तो हमें उतरना चाहिए, वो तो बंदर थे, छलांग लगाए कूदे। और जैसे ही बंदरों ने छलांग लगाई, बंदर कूदे, तो जितने अयोध्या वासी राम जी से मिलने के लिए खड़े थे सब भागना शुरू कर दिए, सब भागना शुरू किए। लक्ष्मण जी ने कहा, पहले ही कहा था इन बंदरों को मत ले चलो, ये डिसिप्लिन जानते ही नहीं है, लेकिन देखो ये बंदरों के कारण आज भगदड़ मच गई है, अब क्या होना चाहिए। भगवान राम ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा इधर उधर जाएंगे, जब मुझे देखेंगे तो सब वापस आ जाएंगे, घबराओ नहीं, जो हो रहा है सो ठीक ही हो रहा है। बस बंदर जैसे ही अयोध्या की भूमि पर गिरे, छलांग लगा के कूदे, उसी समय बंदरों ने अयोध्या की रज को मस्तक पर रखा, माथे पर लगाया, रोम रोम में लगाया। तुलसीदास जी से पूछा ये बंदर कर क्या रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ये बंदर अयोध्या की धूल को धूल नहीं मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि मेरे प्रभु राम का जन्म हुआ है, इसलिए अयोध्या की मिट्टी धूल चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको मस्तक पर लगा रहा हूँ, शिरोधारी कर रहा हूँ। आज बंदरों में वो अनुराग आ गया साहब, मिट्टी को माथे में लगा रहे हैं। बस भगवान राम जैसे ही उतरते हैं, भगवान राम ने गुरुदेव का दर्शन किया, गुरुदेव का दर्शन किया तो भगवान राम गुरुदेव की ओर दौड़े। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय भगवान राम दौड़ पड़े, धाय धरे गुरु चरण सरोर अनुज सहित अति पुलक तनोर। जैसे ही भगवान राम प्रणाम किए गुरुदेव को, वशिष्ठ जी ने कहा राम आ गए हो, सकुशल आए हो, तुम्हारी यश कीर्ति पताका पूरे संसार में फैल रही है। राम तुम्हारा दर्शन करने के लिए मैं लालायित था, और जब से महाराज इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक मैं पुरोहित कर्म करता आ रहा था, केवल इसलिए कि एक ना एक दिन इस वंश में राम का जन्म होगा, और आज मेरा जीवन धन्य हो गया। राम तुम्हारा जन्म जब हुआ तो जन्म का हेतु ही मैं बना, मेरा यज्ञ बना, और राम जब तुम अयोध्या छोड़ करके बन गए और राक्षसों का वध तुमने किया, यज्ञ की रक्षा की, गौ ब्राह्मण की रक्षा की, और अयोध्या से लेकर के लंका तक जितने भी राक्षस थे उन समग्र राक्षसों का विनाश तुमने किया, जितने आश्रम थे संतों के आश्रमों को स्वतंत्र किया राम तुमने, देवता भी तुम्हारा यशगान कर रहे हैं, संपूर्ण संसार में राम तुम्हारी जय जयकार हो रही है। अब थोड़ा सा काम शेष रह गया है, ये सिंहासन खाली पड़ा है, इस पर बैठ जाओ, हम तुम्हारा तिलक कर दें। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अभी तो मैं आ ही रहा हूं, स्नान मैंने किया नहीं है, बिना स्नान किए। अच्छा बोलो भैया, हम लंबी यात्रा करके आवे तो क्या सीधे सिंहासन पे बैठेंगे कि पहले स्नान करेंगे? स्नान करेंगे इसके बाद सिंहासन पर बैठेंगे। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा तो श्रोधारी है, लेकिन पहले स्नान तो कर लूं। स्नान, वशिष्ठ जी ने कहा स्नान कर लो राम, कोई दिक्कत नहीं। भगवान बोले जितने मेरे साथ आए हैं वो भी स्नान करें, हमारा ही स्नान करना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे साथ में जितने आए हैं वो स्नान करें। अच्छा एक बात बताओ, राम जी के साथ नर आए कि बानर? बानर आए। नरों को स्नान कराया जा सकता है, बानरों को कोई माई का लाल स्नान करा पाएगा? बता दो जरा, बंदरों को कौन स्नान करावे? नर हो तो स्नान करें, बंदरों को कौन स्नान करावे? वशिष्ठ जी बोले बड़ी समस्या है राम,
इन बंदरों को स्नान कराने में अगर लग जाएंगे तो पूरा एक युग बीत जाएगा, तब भी